हाई स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर डिजिटल क्लासरूम इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ़ नेफ्रॉन। नाउ लुक एट द हिस्टोलॉजी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब हम डिफरेंट पार्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं हेडिंग डाल दीजिए हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। फर्स्ट हेडिंग आएगी ग्लोमे रूलस वट इज अ ग्लोबे रूलस पार्ट लुक ग्लोबे रूलस इज अ नेटवर्क ऑफ फिफ्टी पैरल ब्रांचिंग कैपरिज विच इज कवर्ड बाई द इंडोथ थियम राइट बेसमेंट पेम्ब्रेड एंड एपीथिलियम मेड ऑफ पोडोसाइड यानी इसमें जो सेल्स पाए जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं पोडोसाइड्स विच हैज स्लिक पोर्स इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं डेट रिस्ट्रिक्ट पैसेज ऑफ कोलाइट्स जो बिग कोलाइट्स हैं उनके रास्ते को पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड वाटर कैन ईजिली पास थ्रू द सी ये पोडोसाइड के थ्रू जो छोटे पार्टिकल्स हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वाटर कंटेंट है आसानी से प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबवेल में पास हो सकता है दैट इज द हिस्टोलॉजी पार्ट ऑफ द ग्लोमस नेक्स्ट आता है इसके बाद आता है बाउम्स कैप्सूल बाउम कैप्सूल वट इज आल अबाउट बॉमेंस कैप्सूल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि बोमेंस कैप्सूल इज अ कप्स लाइक स्ट्रक्चर तो यहाँ की जो इनर लेयर है वहाँ पर मिलेगा पोडोसाइट्स एंड द पोडोसाइट इज मेक द इनर वॉल ऑफ द बोमेंस कैप्सूल एंड द बोमेंस कैप्सूल हैव गैप कितना पाया जाता है दिस गैप इज अबाउ ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर वाइट तो ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर जितने छोटे छोटे स्मॉल कैपिंग पाई जाती है एंड द आउटर वॉल ऑफ द वोमेंस कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड स्कॉमस एपिथीलियम यू कैन से फ्लैटेंड एपिथीलियम से बाहर की जो आउटर लेयर है वो बनी होती है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोमेंस कैप्सूल नेक्स्ट आता है सी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पी सी टी कहते हैं नाउ पीसीड ट्यूब्यूल इज मेड अपल क्यूबॉडल इपिथिलियम एंड इट हैज अक्रोविलाई सो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रस बॉर्डर इपिथीलियम ठीक है तो पीसीटी में क्या पाया जाता है सिंपल क्यूबॉर्डल इपिथीलियम सिंपल इडल इपिथिलियम इपिथीलियम ठीक है इससे मिलकर बनी होती है क्योंकि इसमें माइक्रोब्लाइप पाए जाते हैं इसलिए इसको हम ब्रस बॉर्डर इपिथीलियम भी कहते हैं ब्रस बॉर्डर इपिथीलियम राइट नेक्स्ट right. आता है पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेल्ले डी लूप ऑफ है वॉट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ लूप ऑफ हेल्ले द एपिथिलियम ऑफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज वेरी थिन एंड कंपोज ऑफ स्कॉमस ईपीथीलियल सेल ठीक है तो जो नीचे की तरफ डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है वो काफ़ी पतले होते हैं और बने होते हैं स्कॉमस ईपीथिलियम सेल से और असेंडिंग लूप ऑफ हैनले है टू पार्ट्स जो फर्स्ट पार्ट है नीचे वाला जिसे हम असेंडिंग पार्ट कहते हैं स्टार्टिंग में वो बना होता है स्कॉमस इपीथीलियल पार्ट और जो उसके ऊपर पाया जाता है जो थिकेंड पार्ट होता है वो बना होता है क्यूबॉडल इपिथेलियम। तो दैट मीन्स जो डिसेंडिंग पार्ट है जो नीचे की तरफ जा रहा है उसमें एक ही तरह के इपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं लेकिन जो अपवर्ड मूव करता है उसमें दो तरीके के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ठीक है ऊपर वाला हिस्सा बना होता है क्यूबॉर्डल इपिथिलियम का और नीचे वाला हिस्सा बना होता है सिंपल सिंपल इपिथिलियल सेल का ठीक है ऑलराइट सो so, इसको इस तरह से समझ सकते हैं द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथिलियम स्क्वामस एपिथिलियम राइट जबकि डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज आल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स ठीक है तो फर्स्ट पार्ट जो कि थिन पार्ट होता है <coughs> वो बना होता है यहां से इंडिकेट कर देता हूं फर्दर जो थिन पार्ट होता है इज मेड अप ऑफ कॉमस एपिथेलियल टिश्यू एंड द थिक पार्ट इज मेड अप ऑफ क्यूबार एपिथेलियल सर ठीक है यहां पर लिख लीजिए क्यूवाइडल बस इतना ही सही डिफरेंस है तो डिसेंडिंग इज मेडअप ऑफ स्कॉमस बट असेंडिंग इज मेडअप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स स्कॉमस एपिथिलल सेल एज वेल एज क्यूबाइडल एपीथिलल सेल राइट ना द असेंडिंग लिम इज इम्परमिएबल टू वॉटर एंड इट इज परमिबल टू एनएसएल जो असेंडिंग लुप ऑफ हैल है वो क्यूबाडल इपिथिलल सल का बना होता है ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट द असेंडिंग लिप इज इम परमिबल टू वाटर एंड परमिबल टू एन एस एल यानी असेंडिंग लूप जो लिंप है वहाँ से वाटर का मूवमेंट बाहर नहीं हो सकता लेकिन वो एनएसियल यानी नमक या साल्ट को बाहर जाने के लिए एक परमिएबल होता है नेक्स्ट आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसको शॉर्ट फॉर्म में डी सी टी लिखते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डी सी टी डी सी टी इज मेड अप ऑफ ट्यूबॉडल इपिथिल विच इज ग्लैंडुलर इन नेचर ये बना होता है क्यूबॉइडल क्यूबॉडल सेल और इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है ग्लैंडुलर ग्लैंड लाइक अपेयरेंस और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट यहां पर लिख देता हूं ऊपर कलेक्टिंग डक्ट

एट इंटरवल ऑफ़ द क्यूबार्डल सेल्स आर सीलिएटेड ठीक है जो इनके बीच में गैपिंग पाई जाती है वहाँ पर सीलिएटेड सेल्स मौजूद रहती है दैट इज दिस्टोलॉजिकल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग डक्ट पर क्यूबार्डल एपीथीरल सेल्स पाई जाती हैं और सीलिएटेड एपिथीरल सेल्स भी पाई जाती हैं नेक्स्ट हैडिंग डाल दीजिए क्यूरेटर यूरेटर वो पार्ट है जहां से यूरिन बाहर निकलता है किडनी से होते हुए तो इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस क्योंकि यूरेटर से होते हुए जो यूरिन है अल्टीमेटली यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है डाल दीजिए यूरेटर ओके okay. यूरेटर्स आर फाउंड इन द देयर्स इट एराइज फ्रॉम द हाइलम पार्ट ऑफ द किडनी और इमर्जेस फ्रॉम द किडनी इट इज़ अ वाइटिस यानी सफ़ेद कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है द लेंथ ऑफ यूरेटर इज अबाउट ट्वेंटी एट सेंटीमीटर ये लगभग ट्वेंटी एट सेंटीमीटर जितना लॉन्ग होता है इसकी लेंथ ट्वेंटी एट सेंटीमीटर जितनी होती है दे वॉल कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथिलियम ये इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया है कौन सी लेयर पाई जाती है ट्रांजिशनल एपिथिलियम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो लाइनिंग पाई जाती है जो वॉल पाई जाती है यूरेटर की वो बनी होती है ट्रांजिशनल एपिथिलियम द सराउंडिंग बाई अ लेयर ऑफ मसल्स फाइबर ठीक है और इसके चारों तरफ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं एंड द ओपनिंग ऑफ टू यूरेटर इन द ब्लैडर आज सेपरेट यानी ब्लैडर में ये अलग अलग ओपन होते हैं स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अडनी दूसरा किडनी यहां से निकलते हैं बाहर ठीक है और सेपरेटली निकलते हैं एंड सपोज दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर तो यहां पर दोनों ट्यूब अलग अलग ओपन होती हैं ठीक है दिस इज द ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एंड दिस इज द ओपनिंग ऑफ राइट ठीक है सो so, दीज आर क्लोजली प्लेस्ड एक दूसरे के नज़दीक ही पाए जाते हैं बट दे आर ओपन सेपरेटली इन द बलैडर दीज आर ऑब्लिक सो दैट द यूरिन कैन नाट रिगजिटेट इन द इन टू द यूरेच वैन द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ये थोड़ा सा तिरछे होते हैं ऑब्लिक नेचर में होते हैं, इसलिए कभी भी अगर प्रेशर यहाँ पर जनरेट होता है तो यूरित जो ब्लैडर में यूरिन है वापस नहीं जा सकती। तो इसका अरेंजमेंट इसी तरह से यूली ऑब्लिक पाया जाता है तीछे अरेंजमेंट होते हैं जिसकी वजह से यूरिन का वापस जाना पॉसिबल नहीं हो पाता अगर किसी भी रीजन से ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन हो तो सो पैरास्टैलसिस ऑफ यूरिटर्स आल्सो चेक द रिगजिटेशन जैसा कि मैंने आपको सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि वहाँ पर भी कैसा मूवमेंट पाया जाता है एक पैरास्टाइलसिसिस मूवमेंट पाया जाता है जो हमेशा फूड को ठीक है चाहे वो डाइजेस्टेड हो या अनडाइजेस्टेड हो उसको आगे की तरफ ही पुश करता है उसको बैक फ्लो से रोकता है वैसे ही यूरेटर में भी पैरास्टाइलसिस मूवमेंट पाया जाता है जो यूरिन को आगे की तरफ प्रेस करता है आगे की तरफ फ्लो करने के लिए प्रेशर डालता है और रीगजिटेशन यानी वापस बैक फ्लो होने से रोकता है सो द यूरेटर्स आर रेक्ट्रोपेरीटोनियल ठीक है जैसे किडनी में होता है बाहर की तरफ लेयर पाई जाती है और बैक साइड में लेयर नहीं पाई जाती वैसे ही यूरेटर के, के केस में भी क्या होता है इसमें रेट्रो रेक्ट्रोपेरीटोनियल लेयर्स पाई जाती है ओके okay? नेक्स्ट आता है यूरेनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा हेडिंग डाल दीजिए यूरेनरी ब्लैडर री ब्लैडर एंड यूरिथरा द यूरिरी ब्लैडर इज अ पियर सेप्ट हॉलो मस्कुलर ऑर्गन ठीक है सिचुएटेड इन द पेलवी कैविटी विच इज मेट अ पाव स्मूथ एंड इन वॉलेंट्री मसल्स ये खास ध्यान रखना है कि जो यूरनरी ब्लैडर है वो किस मसल से मिलकर बनी होती है ये बनी होती है इन वॉलेंट्री मसल्स जो कि स्मूथ इन नेचर होती हैं तो स्मूथ मसल्स ज़्यादातर इन वॉलेंट्री नेचर की ही पाई जाती हैं द मसल्स इज़ आल्सो नोन एज डी टॉर्सल मसल इनको हम डी ट्रॉसर मसल के नाम से जानते हैं लिख लीजिए डी स्पेलिंग देखना ध्यान से टर्स मसल्स सो इन द यूरिनरी ब्लडर देर इज अ डी असर मसल डी ट्रॉसर मसल्स का मेन फंक्शन क्या होता है ये मसल्स का एक्शन होता है एक्सपेलिंग द सब्सटेंसेस जो भी सब्सटेंस यानी जो यूरिन इसके अंदर पाई जाती है वो लगातार एक्सपेल करके बाहर निकालती रहती है ऑलराइट right? इसके नीचे का हिस्सा जो पार्ट है यदनेक रीजन इट इज कन्वर्टेड इनटू और लीड्स इनटू द यूरिथ्रा इसको यूरिथ्रा कहते हैं यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर urinary bladder इस पार्ट को हमने अभी डिस्कस किया जिसको यूरेटर कहते एंड दिस इज किडनी ठीक है तो यूरिथ यूरेनरी ब्लैडर आगे एक्सटेंड होकर किसका फॉर्मेशन करती है यूरिथ्रा का नाउ सो द ल्यूमन ऑफ यूरेनरी ब्लैडर इज़ लाइन बाई द ट्रांजिशनल इपीथीलियम और ट्रांजिशनल इपीथीलियम में ग्रेट पावर ऑफ स्ट्रेचिंग पाई जाती है यानी वो यूरिन को काफ़ी लंबे समय तक रोक सकते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि दे हैव अ स्ट्रेचिंग पावर और जैसे वॉल्यूम बढ़ता है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाते हैं और उसको रिटेन करने की क्षमता रखते हैं सो द निक आ ब्लैडर इज गार्डेड बाई द टू इंस्पेंटर ब्लैडर की जो आउटर लेयर है उसमें दो इंस्पेंटर पाए जाते हैं जो इनर वाला होता है उस वो इन वॉलेंट्री होता है ठीक है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल रिफ्लेक्स जबकि आउटर वाला वॉलेंट्री होता है एंड इट इज कंट्रोल बाय द सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो यूरेनरी ब्लैडर का पार्ट है ठीक है वो दो हिस्सों से मिलकर बना होता है यानी दो तरीके की मसल्स काम करती है एक होती है इनवॉलेंट्री और दूसरी होती है वॉलेंट्री तो जो इनर पार्ट होता है ठीक है इनर पार्ट यानी इनर इंस्फिंटर वो बना होता है इन वॉलेंट्री पार्ट से जो कि स्पाइनल रिफ्लेक्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है जबकि आउटर पार्ट वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है बाय द सेबरल कॉर्टेक्स राइट नेक्स्ट म्यूकोसा आ ब्लैडर विद द फोल्ड कार्ड रग जो म्यूकोसा ब्लैडर की पाई जाती है उसमें बहुत सारे फोल्ड पाए जाते हैं जिसको रग कहते हैं एंड रग आसो प्रेजेंट इन द स्टमक एज वेल एज वेजाइना तो इस तरह के जो रग्स हैं वो स्टमक uh, रीजन में भी पाए जाते हैं और वेजाइनल रीजन में भी पाए जाते हैं तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ठीक है जो अंडर डेवलपमेंट रहते हैं उनमें आउटर वॉलेंट्री कंट्रोल ना पाए जाने की वजह से यूरिन अक्सर एक्सपेल आउट हो जाती है ठीक है दैट इज़ हाउ यू कैन से द चिल्ड्रन कैन नॉट कंट्रोल्ड ओवर द यूरिनेशन एज दे आर डेवलपिंग डे बाई डे द वलेंट्री कंट्रोल आल्सो डेवलप विच इज़ कंट्रोल्ड बाई द सेरिब्रल कॉटेक्स रीजन देन वी कैन से यस दिस पोर्शन इज ऑल्सो डेवलप तो जब भी इस तरह का यूरिनेशन की अर्ज होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और यूरिनेशन को एट डेफिनेट टाइम पीरियड पर किया जा सकता है तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका वॉल्ट्री कंट्रोल हो और ये चाइल्ड हुड में यानी डेवलपिंग चाइल्ड में लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक छोटे बच्चों के साथ अक्सर यूरनेशन हो जाता है और इन द लेटर एज यानी द एज रीचेज एब सिक्सटी सेवेंटी सेवेंटी फाइव उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है यानी जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो लूज हो जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ यूरेनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा